आज हम एलईडी की पट्टी का इस्तेमाल करके एक बहुत ही चमकीली टॉर्च बनाएंगे। इस एलईडी टॉर्च को बनाने के लिए आपको एक प्लास्टिक का डब्बा चाहिए, एक कनेक्टर चाहिए, 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए, एलईडी की स्ट्रिप चाहिए और एक स्विच चाहिए। सबसे पहले आप जो कनेक्टर है बैटरी का, उसके दोनों सिरों को छील करके उनके तार को थोड़ा सा बाहर निकालें और फिर एक बचा हुआ जो काले तार का टुकड़ा है उसके भी दोनों सिरों को छील करके तार एक्सपोज करें और कनेक्टर के साथ में आप एक स्विच को जोड़ दें। यह स्विच कनेक्टर के साथ सीरीज में लगा होगा। आजकल ये एलईडी की जो पट्टियां हैं, एलईडी के जो स्ट्रिप्स हैं, वो मीटर के हिसाब से खरीदी जा सकती हैं। आप 3 एलईडी की छोटी सी पट्टी को काटें, फिर 9 वोल्ट की बैटरी को कनेक्टर के साथ जोड़ दें और अब बैटरी के दोनों सिरों को जैसे ही आप एलईडी के साथ में लगाएंगे, एलईडी तेजी से चमकेगा और आप स्विच की मदद से एलईडी को बंद कर सकते हैं या जला सकते हैं। फिर एक प्लास्टिक का छोटा सा डब्बा लें, उसमें एक आयताकार एक स्लॉट बनाएं जिसमें आप स्विच को फिट कर दें और फिर इस डब्बी के अंदर आप कनेक्टर और बैटरी को रख दें। एक छोटा सा छेद बनाएं जिससे कि बैटरी की दोनों लीड्स बाहर निकलें। प्लास्टिक की डब्बी के ऊपर आप एलईडी की पट्टियों को चिपका दें और लीड्स को जोड़ दें। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे आपकी टॉर्च तेजी से जलेगी, ऑफ करने पर बंद हो जाएगी।